Hello, everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेक्चर है प्रॉब्लम डिस्कशन का जोशी का। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 52, ग्लिसरीन कंटेन हाउ मेनी हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये तो ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर याद करना है, सिर्फ ये खुद देख लीजिएगा। 53, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इनंसियोमर एंड डाइस्टोमर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहां देखिए, इसमें करना क्या है कि आप इसका आर एस बताइए। आर आर है एस है, एस एस। तो डैम श्योर इफ आर आर हो जाएगा, करेक्ट। अब इसके बाद इसका निकालने का जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड आपस में डीएल पेयर हो जाएगा, इनंसियोमेरिक पेयर, करेक्ट। और सेकेंड फर्स्ट के साथ भी डाइस्टोमर रहेगा, जो एक दूसरे का ये क्या रहेगा, इसका निकाले तो क्या है ये, अगर आर तो डैम श्योर ये क्या रहेगा, यस। तो फर्स्ट इसके साथ भी इसका रिलेशन क्या रहेगा, डाइस्टोमर रहेगा। पेयर ऑफ इनंसियोमर एंड डाइस्टोमर, तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या इनंसियोमर, फर्स्ट एंड सेकंड क्या रहेगा डाइस्टोमर, और सेकंड और थर्ड भी आपस में क्या रहेगा डाइस्टोमर। ये तो आंसर होना चाहिए। 53 का आंसर देखिए तो क्या दिया हुआ है, आंसर नहीं दिया हुआ है ऑनलाइन स्टूडेंट, आंसर नहीं दिया। नहीं, समझ में आया जो मैंने बोला? हाँ सर। यस सर। तो आंसर में फर्स्ट एंड थर्ड आर मिरर इमेज ऑफ, एक मिनट भाई, फर्स्ट एंड थर्ड तो मिरर इमेज है। हाँ सही सही, एक मिस्टेक हम लोग से हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। फर्स्ट एंड थर्ड मिरर इमेज है, लेकिन सुपर इम्पोजिबल या नॉन सुपर इम्पोजिबल, अगर आर एस और ऐसा रहता तो मेजर बन जाता, सिंगल कैरेक्टर से इंटरेक्ट करता है, राइट। बट फर्स्ट और थर्ड आपस में यहाँ पे क्या रहेगा, डीएल पेयर रहेगा। तो आंसर में एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया होगा, फर्स्ट एंड थर्ड आर मिरर इमेज ऑफ वन अदर एज वेल एज दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, और फर्स्ट और थर्ड इनंसियोमर हो गया, प्लस फर्स्ट एंड थर्ड जो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं इसी तरीके से आंसर दिया हुआ है। फर्स्ट एंड थर्ड का तो बात हो गया, जल्दी चाहिए, बट फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या रहेगा डाइस्टोमर, और सेकंड और थर्ड में आपस में क्या रहेगा डाइस्टोमर, और से अब थर्ड सेकंड को
इंडिविजुअली मैं जो भी बोल सकते हैं, नहीं आया ना? सेकंड को मैं जो बोल सकते हैं, क्यों? आरएसएस में भाई इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मिरर में सुपर इम्पोजिबल रहेगा, करेक्ट? वैसा केस जिसमें दो सिमिलर कायरल सेंटर है, दो सिमिलर कायरल सेंटर विद इन द मॉलिक्यूल, फीचर प्रेजेंट में कॉन्फिगरेशन जस्ट अपोजिट, तो उसका मिरर उसमें देर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। आइसोमेरिज्म बढ़िया से जब टास्क देंगे ना तो रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है? तो इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, तो बहुत आसान सा एग्जांपल में से एक होगा, सिमिलर कायरल सेंटर दो इक्वल टू, यही एग्जांपल लिया हूं, डेटो यही है। चलिए राइट टॉटोमेरिक फॉर्म ऑफ इनॉल, ये वन मार्क्स का क्वेश्चन है, टॉटोमेरिक फॉर्म ऑफ इनॉल फिनॉल, भाई ये अगर दिया रहेगा तब पूछेंगे टॉटोमेराइजेशन होगा या नहीं होगा, बोलिए होगा तो टॉटोमेराइजेशन होगा। दूसरी बात है सर, इस तरफ 99% जाएगा ड्यू टू एरोमेटाइजेशन, बट 1% इधर भी तो जाएगा, ये तो एग्जांपल क्लास में लिए हैं, हो जाएगा, तो यही सॉल्यूशन है। 56 का नेमिंग कर लीजिएगा आप लोग, जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोग को हो जाना चाहिए, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बोलिए भाई ऑनलाइन के बच्चे, आप लोग थोड़ा हाँ ना कुछ बोल दीजिएगा, क्या 56 का नॉमिनेचर हो जाएगा? हाँ सर। 57 का नॉमिनेचर हो जाएगा? यस सर। तो 58 सॉल्व कीजिए। यस सर। हाँ सर। सबके पास हार्ड कॉपी है? हाँ सर। प्रिंट आउट निकाल के शेयर कर देना, जो भी शेयर करते हैं। देखिए मैं प्रिंट आउट निकाल के दे सकता हूँ, बट एक्चुअली बार बार मुझे क्लास जाने में थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगता हूँ, ठीक है? और कोई बात नहीं है। स्टूडेंट आज शायद ऑर्गेनिक का क्लास का मिस हो गया ना, ये सिटी एंड बेसिसिटी का क्लास शायद लिंक शेयर नहीं कर पाया था, आज का लेक्चर मैं शेयर कर दूंगा। अरे पूरा लेक्चर तो शेयर किया हुआ है ही, ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, कितना होगा भाई? 58 स्ट्रक्चर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर ऑफ डाइक्लोरोइथेन, तो बहुत आसान है नहीं? ईएफ कितना है? वन। इथिन, इथिन ईएफ कितना हो जाएगा? वन, राइट? पहले फर्स्ट बैठा दिए, अब सेकंड को बैठाने का जाएगा,
सिस्टर्न दोनों हो सर। अब इसमें बोला गया कि विच ऑफ देम, अब इसमें ये भी पूछा गया इसमें किसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, राइट? ये हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमोरिज्म में पढ़े हैं डाइपोल मोमेंट। अब इसमें एक कंफ्यूजन ये है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर, ज्यादा बेटर रहता राइट ऑल आइसोमर, राइट? स्ट्रक्चर बोलने से हालांकि उनका टेंस मुझे समझ में आ गया कि टोटल आइसोमर पूछ रहे हैं, तो इसमें तो एक ही रहेगा, इसमें सिस ट्रांस नहीं होगा, बट इसमें दो रहेगा ना, कौन कौन सा? ये रहेगा ट्रांस, ये रहेगा सिस। इसका हम लोग बोले थे सीएस का इग्नोर करेंगे, इसका डायपोल कितना होगा? जीरो। एग्जाम्पल मैं क्लास में ही लिया हूँ, ठीक है? तो आंसर थ्री है जिसमें ट्रांस वाला का डाइपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए। एक बार आंसर देख लेते हैं, नहीं आंसर यहाँ पे एक्सपेंशन दिया हुआ है, तीन दिया हुआ है, करेक्ट हो गया, और इसमें ट्रांस वाला का डाइपोल मोमेंट जीरो दिया हुआ है, ठीक है? इसका मतलब यहाँ से इस क्वेश्चन से भी तो समझे कि सीएच का इग्नोर करते हैं, काउंट मिलते हैं या इग्नोर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 बनाइए। दो मिनट टाइम है। ईओ कितना? जीरो। चार का और अल्कोहल पूछ रहे हैं सिर्फ, क्या पूछ रहे हैं? अल्कोहल नहीं बोलते तो इधर भी हम लोग काउंट करते हैं, सबसे बेस्ट तो हम लोग इसमें काम किए हुए हैं। C4H10O फाइंड आउट ऑल स्ट्रक्चर, राइट? अल्कोहल भी और इधर भी, उसके रेस्पेक्ट में तो बहुत आसान है। OH कहाँ आएगा भाई? यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, इसमें कहाँ आएगा? यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। अब एक मिनट देखिए, स्ट्रक्चर वाइज चार, स्ट्रक्चर वाइज चार, बट अगर हम लोग स्टीरियो वाइज भी काउंट कर लें टोटल आइसोमर, तो दिस कार्बन बिकम्स काइरल, दिस कार्बन बिकम्स व्हाट? काइरल। इसके लिए ऐसे तो आंसर चार होना चाहिए, बट अगर टोटल काउंट करेंगे तो आंसर पांच होना चाहिए, ठीक है? तो सिर्फ स्ट्रक्चर आइसोमर रहेगा, राइट? और स्ट्रक्चरल, सिर्फ यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही पूछा गया है, तो ऐसे तो आंसर मुझे चार लग रहा है, लेकिन आइसोमर रहता तो आंसर क्या होता? पांच होता। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो, इंक्लूडिंग जिस टाइम का पूछा हुआ है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1984 का, तो सब एक मिनट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर कंफ्यूजिंग भी है, तो आप वहां पे पूरा बात लिख के आ सकते हैं कि अगर आप ये पूछते तो ये होता, ये पूछ रहे हैं तो ये होता, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन रहेगा, इसलिए सब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं सेफ जोन भी है, करेक्ट है? तो स्ट्रक्चर वाइज आंसर कितना रहेगा, और स्टीरियो इंक्लूडिंग स्टीरियो फाइव, जिसमें हाउ मेनी डीएल पेयर, वन डीएल पेयर, करेक्ट है ना? तो लिख लीजिए टोटल आंसर, इस टोटल फाइव अगर बोलते हैं तो उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा, ठीक है ना? चलिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग इंटरमीडिएट फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग, ये 2020 का जेईई मेन का क्वेश्चन है।
मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में देना है, बिग टू स्ट्रॉन्ग नहीं, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, सी एच टू माइनस एंड सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस एंड सी एच थ्री माइनस देखिए स्टूडेंट ए बी सी डी एंड ए इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड किया हुआ है। आप लोग बताइए एसिडिटी बेसिसिटी तो कम से कम ओल्ड बैच को तो पढ़ा ही चुके हैं। सबसे ज्यादा वन का रहना चाहिए sp3 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज प्लस थ्री प्लस आई और उसके बाद किसका रहना चाहिए ऑनलाइन के बच्चे डी बी नहीं डी डी सर डी दिल्ली डी फोर्थ उसके बाद सेकंड लेकिन ये रेजोनेंस में भी है राइट बट वही देखना है यहाँ से भी कुछ सीखने को मिलेगा रेजोनेंस वाला फैक्टर और एसपी में कौन सा फैक्टर डोमिनेट है। मुझे लग रहा है कि एसपी टू पे निगेटिव चार्ज रहेगा तो यहाँ पे नो डाउट कि रेजोनेंस में है बट फिर भी यहाँ पे एसपी कार्बन पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहेगा विद रिस्पेक्ट टू रेजोनेंस का फैक्टर। ये मुझे इंट्यूशन ऐसा लग रहा है। देखते हैं सर एक मिनट स्टूडेंट हाँ बोलिए ऑप्शन देख के यही लग रहा है सर सबसे ग्रेटर ग्रेटेस्ट वन होगा ऑप्शन के साथ मिलाने से। एक बार देख लेते हैं ऐसे ऑप्शन तो मैं देखा नहीं लेकिन एक बार देख लेते हैं सेकंड जो होगा उसको देखा जाएगा थर्ड और सबसे कम तो मुझे फोर्थ लग रहा है सॉरी फिफ्थ हुए ना ऑप्शन क्या है आंसर इसका आंसर नहीं दिया हुआ है टॉपिक सेकंड का ए फर्स्ट के बाद हम लोग उल्टा कर दिया हम लोगों को इधर से इधर चलना चाहिए था फर्स्ट बेसिक उसके बाद फोर्थ उसके बाद सेकंड थर्ड फिफ्थ आंसर में भी क्या है यहाँ से क्या सीखे एसपी इज मोर बेसिक देन क्या बोले हाँ वही फिफ्थ में था। देखिए ये तो पहले से ही पता था कि ए सियानिक एसिड है इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक यही था ये प्रोपेन एचसीएन एसिड है इसका कंजुगेट बेस ऑब्वियसली बिग बेस होगा राइट इसका पूरा का सबका एसिड सारा कंजुगेट बेस नाम बोला गया ना इसका उल्टा करके देखिए एसिड तो नहीं तो सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए राइट ऐसे भी यहाँ पे एसपी कार्बन पे है साथ में हेटरोटॉमिक पाई बॉन्ड है तो हेटरोटॉमिक पाई बॉन्ड से यहाँ पे पाई क्लाउड नाइट्रोजन का शिफ्टेड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा और ऐसे भी तो यहाँ बट यहाँ पे क्या सीख है यहाँ पे आपके एक मिनट सीखिए पहले यहाँ से ये 2020 का जेईई मेन का क्वेश्चन है ना राइट यहाँ पे थोड़ा डाउट आप लोगों को एग्जाम में हो सकता था कि यहाँ पे तो रेजोनेंस है स्टेबलाइज हो रहा है बट रेजोनेंस का से भी बड़ा फैक्टर इस केस में क्या है एसपी राइट यहाँ पे स्टेबलाइज नहीं हो रहा है बट एसपी हाइड्रोजन है राइट इसका मतलब यहाँ से कहीं पर नोट कर लीजिए और कहीं पर अपना एसिडिटी का जो नोट्स है वहां पर लिख लीजिएगा एग्जाम्पल को रखकर ठीक है क्योंकि यहाँ पे चांस हो सकता था मिस्टेक होने का समझ रहे हैं आप लोग सिर्फ आंसर नहीं मिलाएंगे भाई यहाँ से कुछ सीखेंगे ये सेकंड दौर चल रहा है सीखने का ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ देखिए सब लोग हाँ बोलिए नंबर वन में हाँ सेकंड और थर्ड में स्टेबल थर्ड होगा तभी तो उसका बेसिक करेक्टर कम हुआ तभी तो सब बेसिक स्टेबिलिटी ज्यादा है तो बेसिक करेक्टर कम है नेगेटिव उसमें ज्यादा स्टेबल है वही चीज तो बोल रहे हैं ना कि इसका रेजोनेंस का फैक्टर से भी बड़ा फैक्टर क्या है स्टेबिलिटी के लिए एसपी कार्बन पे नेगेटिव का रहना तो वो ऐसे करके लिख लेना है और उसको कहाँ पे इस एग्जांपल को लेकर रखना है खास करके बी और सेकंड और थर्ड का एग्जांपल को अपना नोट्स में रख लीजिएगा जाकर क्वेश्चन बैंक बनाने के टाइम पे बहुत अच्छी माइंड बनाएंगे क्वेश्चन बैंक को ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है 25 ग्राम ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन
अपॉन बर्निंग प्रोड्यूस 88 ग्राम ऑफ CO2 एंड 9 ग्राम ऑफ H2O. दिस अननोन हाइड्रोकार्बन कंटेन मुझे लगता है कि यहाँ पे POC लगा देने से ज्यादा बेटर रहेगा, क्या बोलते हैं? एक सर्वाई निकल जाएगा तो 25 ग्राम, अरे कितना ग्राम? 88 ग्राम, अरे 9 ग्राम. POC ऑन कार्बन मोर ऑर लेस कुछ इडियोमेट्रिक जैसा प्रॉब्लम हो गया, राइट? तो POC ऑन कार्बन करेंगे तो क्या हो जाएगा एवरीवन? 25y बोलिए 12x प्लस y इंटू एन ए इंटू व्हाट x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 88y 44 इंटू एन ए इंटू वन एन ए और एन ए आपस में कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 25x y 12x प्लस y इक्वल टू टू, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू व्हाट? एक्स माइनस टू वाई. देखिए दोस्तों सही है, एक साथ कर दिया प्लस मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन फर्स्ट बन गया एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो. बट एक इक्वेशन और चाहिए, वो कहां से मिलेगा? POC ऑन हाइड्रोजन. भाई इतना आसान क्वेश्चन से आपको 4 मार्क्स मिलने जा रहा है? नहीं, बट फिजिकल केमिस्ट्री भी आ गया, मेनली फिजिकल केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक में डाल दिया गया है हाइड्रोकार्बन के नाम से. सिर्फ कितना हो जाएगा? 25y अगेन 12x प्लस y इनटू कितना? n है इनटू भाई y इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? वन ना, ओ सॉरी एन ए भी रहेगा तो कितना? 25y बाय इक्वल टू कितना हो जाएगा एवरीवन? वन 12x and 7 कुछ कितना गया है? 26x प्लस वाई प्लस वाई होगा. दोनों से इक्वल हो जाएगा 24y इक्वल टू 12x. एक्स इक्वल टू यहां भी एक्स इक्वल क्या था? कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन बढ़ तो गए. ओके, तो एक्स इक्वल टू टू वाई, एक्स और वाई का वैल्यू पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं है. एक मिनट, इसमें उल्टा ऑप्शन कर लेंगे, परसेंटेज तो देखना है. तो यहां देखिए, एक्स इक्वल टू वाई है ना, तो क्या हो जाएगा? सी टू बाई एच वाई, सी टू बाई एच वाई. सी टू एच वन इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, सी टू एच वन. तो इसका अगर 24 ग्राम रहेगा, इसमें इसका एक ग्राम रहेगा, 24 ग्राम के लिए एक ग्राम,
एक ही ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन सेट होगा नहीं होगा। अब यहाँ पे होता क्या कि घबरा कर, अच्छा अब तो क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहा है, रिपीट हो गया, वहां पे डर जाते। अब यहाँ पे ऐसे करना था, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला पे आ गया और वहां से परसेंटेज कंपोजिशन खुद निकालना स्टार्ट कर दिए, क्रॉस चेक कर लिए। तो एग्जाम में यही चीज आपको बहुत प्रेशर क्रिएट कर देता, क्वेश्चन रिपीट हो गया, दो अननोन है, बट एम्पिरिकल फॉर्मूला से भी तो हम काम कर सकते हैं यहाँ से आकर। ये समझ में आया सोल्यूशन एवरीवन? देखिए तो ऑप्शन सी है। अच्छा जूलॉजी के मैम बोल रहे थे कि अब उनका बस दो ही क्लास है 12th का सिलेबस के लिए, तो बढ़िया है, जल्दी से अब तब तक फिर मैं 12th का बायो का टेस्ट स्टार्ट कर लूंगा चैप्टर वाइज, ठीक है? फिर मुझे यहाँ पर टाइम मिलते रहेगा डिस्कशन देंगे देंगे, पहले इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज ऑक्सीडाइज्ड विथ, पढ़िए पढ़िए, सुपर ऑक्साइड है, सॉरी पेरोक्साइड है, क्या है? पेरोक्साइड फॉलोड बाय बॉइलिंग विथ व्हाट? HNO3। द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज देन ट्रीटेड विथ अमोनियम मॉलिब्डेट, मॉलिब्डेट टू इल्ड ए येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट बेस्ड ऑन एवब ऑब्जर्वेशन द एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड इज, कहां का क्वेश्चन आ गया? जनरल इनऑर्गेनिक हो गया सर। नहीं जनरल इनऑर्गेनिक नहीं है भाई, आप लोग पकड़ नहीं पाए क्योंकि मैं आपके भरोसे छोड़ दिया। यह प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यह प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, तुम्हें इतना तो विजुअलाइज हुआ कि हाँ एक क्वेश्चन आया है, और चैप्टर है ना, लेकिन इसका पीडीएफ में शेयर किया हूँ, तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, इसको सर्किल कर दीजिए, कभी इसमें भरोसा इस क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस आया कि आता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। उसका ए हेडिंग रहेगा एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट, तो उसमें कुछ कुछ चीज रहेगा यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है? फास्फोरस रहना चाहिए क्या? देखिए तो आंसर क्या है, फास्फोरस, उसका मुझे ऐसा लग रहा है कि येलो कलर होता है, एक्चुअल में होता है, इसलिए मैं गेस किया फास्फोरस का है। तो उसमें देखिए फ्लोरीन सल्फर का भी येलो होता है मान लीजिएगा, और फास्फोरस का बदल, तो यहां से गेस करने वाला बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल लिख, इसका तो एरो देख लीजिए, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। और चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा वो आप लोग से मिस हो जाएगा, कोई फ्री में मार्क्स है इसमें, ठीक है? टू आवर दे जाएगा क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ फोर्थ, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ, आप लोग खुद बोलिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल, कौन कौन सा है? CH3, CO2 माइनस, समझे? एसीटेट आयन को CH से CO2 माइनस दिया हुआ था, एक इसका नाम हो गया फर्स्ट, ये है CH3, करेक्ट, ये हो गया, अच्छा सेकंड वाटर था ना, सेकंड में क्या है? वाटर, थर्ड में है ए, अब फोर्थ में है OH-। देखिए सबसे ज्यादा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को दो चीज देखते हैं, हाउ मच अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज, और साथ में उसका साइज फैक्टर भी, राइट?
उस अकॉर्डिंग तो सबसे ज्यादा मुझे फोर्थ लग रहा है न्यूक्लियर फेलिसिटी में, साइज भी छोटा है, अटैक अस्टेरिक फैक्टर को काउंटर करके अटैक कर सकता है राइट, और फोर्थ एक ही ऑप्शन में है। अब फोर के बाद फिर क्या होना चाहिए था, फोर के बाद नहीं, फोर के बाद मुझे लगता है फर्स्ट होना चाहिए, इसमें निगेटिव है ना, यहाँ पे निगेटिव हो, यहाँ पे निगेटिव है, इसका सिर्फ एक के साथ रेजोनेंस में है, यहाँ पे निगेटिव दो के साथ रेजोनेंस में है, तो यहाँ पे निगेटिव कम अवेलेबल है, यहाँ पे ज्यादा अवेलेबल है, यहाँ पे ज्यादा अवेलेबल है, यहाँ ये तो ऐसे भी देख लीजिए भाई, विच वन इज मोर एसिडिक, जो अगर एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, इसका कंजुगेट बेस का बेसिक कैरेक्टर कम करेक्ट, इसका मतलब इसमें निगेटिव कम अवेलेबल है, मतलब ज्यादा स्टेबलाइज है, तो अगर फोर्थ के बाद किसका होना चाहिए फर्स्ट, उस बाद किसका होना चाहिए थर्ड, अरे वाटर न्यूट्रल है, लेकिन आप यहाँ पे वाटर के साथ थोड़ा कंफ्यूजन, साइज फैक्टर देखेंगे तो हम लोग के अकॉर्डिंग फोर फर्स्ट थर्ड सेकेंड, ये सेकेंड था ना, अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है होना चाहिए ऑप्शन बी, क्या ऑप्शन है देखिए तो, सबसे कम दिया गया है सी का, सबसे कम ओएच माइनस का दिया गया है, नहीं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ फिफ्थ, एक मिनट, फोर का ना, फोर का सी सबसे कम, इसका मतलब क्या है, और टू का सबसे ज्यादा है, यहां देखिए जो हम लोग सोचे हैं वो सही है, प्रिंट मिस्टेक है भाई, मैं भी थोड़ा थोड़ा देर के हिल गया था, नहीं एक्सप्रेशन यही है ना जो हम लोग यहां पे निकाले हुए हैं, तो हम लोग करेक्ट हैं, सॉल्यूशन आप लोग के पास है, आईआईटी क्वेश्चन बैंक तो देख लीजिएगा स्टूडेंट, जो हम लोग निकाले हैं ऑर्डर वही है ऑर्डर है ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा OH माइनस, उसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, उसके बाद CH3 SO3 माइनस, और सबसे कम किसका रहेगा, इसका रहेगा, और यहाँ पे एक्सपांशन क्या है, मतलब यहाँ तो बस हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी देख लिया है राइट, और इसका उल्टा करके भी देख सकते थे एसिडिक कैरेक्टर। अब देखिए काइरल क्रोमेटोग्राफी का एक पेज में शेयर किया होगा आप लोग को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर आरएफ, तो यहां पे आरएफ क्या है, हाई मींस हायर एडसॉर्प्शन, ओके सरफेस केमिस्ट्री हो गया और क्रोमेटोग्राफी हो गया, टॉपिक लिख लीजिए तो क्रोमेटोग्राफी में सही से पढ़ना है, और क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज और एडसॉर्प्शन जितना भी ऑप्शन है सबका थ्योरी क्लियर करना है, इसको बाद में देख लेंगे ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर भी लिख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है, मतलब फिल्टर करते चलेंगे ठीक है, कुछ कुछ थ्योरी यहाँ पे जो रहेगा वो लास्ट में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स ना, अरे अब देखिए क्रोमेटोग्राफी में तो दो तीन सेट बना होगा, हालांकि मैं आपको शेयर किया हूं एक बार पढ़ लीजिएगा, तो हर सेट में एक एक क्वेश्चन रहेगा, इसका 10 सेट है तो मतलब लोग बैलेंस करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से
दो क्रोमेटोग्राफी पे क्वेश्चन आ गया है, जनरली हम लोग इस टॉपिक को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। चलिए सेवन भी छोड़ दीजिए, सिक्स था ना, अब सेवन पे आइए। द फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन, ए बी सी डी ई, और यहां पे एस प्लस है, तो एस प्लस जाने का सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कहां पे है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगा। अब आपको देखना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पे रहेगा। क्या बोले? नहीं नहीं इस पे तो अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसका लोन पे यहां पे पॉजिटिव कैरेक्टर है। नेक्स्ट, इसका लोन पे रेजोनेंस में है, इसका लोन पे रेजोनेंस में नहीं जाएगा। बोले क्यों? एसपी बन जाएगा। बट इसके पास कहां कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे इधर से भी आ रहा है, आया ना लोन पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। उसके बाद इसका लोन पे भी रेजोनेंस में नहीं जाएगा भाई, बट इसका इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। यहाँ देखिएगा, यहां से लोन पर, अरे यहाँ पे तो ये लोन पर यहां तक जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो तो निगेटिव इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, इसको एसपी नहीं बनाना है, बट एसपी तो बन सकता है, तो यहाँ तक आ सकता है। ओके, बी और ये अगर यहां तक आ गया निगेटिव, तो ये यहां पे भी आ सकता है, करेक्ट, लोन पेयर, और उसके बाद एक के बाद यहां तक इस पे, बट हम लोग को तो इधर से देखना है। अच्छा, ये तो रेजोनेंस कर सकता है, इसका रेजोनेंस यहाँ पे हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, बी सी और बी और सी होगा, तो डी भी होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बी और सी तो कहीं पे है नहीं, और क्या बोले, मुझे लग रहा है बी सी डी होना चाहिए। क्या ऑप्शन देखिए, तो बी और सी के लिए तो श्योर है कि जितना इलेक्ट्रॉनिसिटी यहाँ पे है वहां पे उतना यहाँ पे भी है, अब ऑप्शन में कुछ था ही नहीं। डी में भी यहां से आ रहा है ना, अब प्लस ए भी यहाँ के बाद ये निगेटिव आएगा, तो ये निगेटिव यहाँ से रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे होगा, बट इसका इफेक्ट कैसे जाएगा यहाँ से, ये तो जाएगा तो फिर कार्बन पर निगेटिव हो जाएगा, समझ गए? इसका ये ओपन होगा, बट इस तरफ तो ओपन करेंगे नहीं, हेटेरोटॉमिक डबल बॉन्ड है, राइट, बट यहाँ से इस यहाँ पे है, तो मोटा मोटी मान के चले कि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लोन पेयर का इफेक्ट, तो यहाँ पे बी और सी तो श्योर थे, राइट, और डी पे भी हो जाएगा, तो ऑप्शन में बी और सी के साथ डी भी है, इसको जाने के साथ कहाँ बन सकता है, बी सी एंड डी।
अब इस टाइप का क्वेश्चन भाई ऑन द स्पॉट एग्जाम हॉल में आपको आईक्यू लेवल अप्लाई करना पड़ेगा, किसी दो के लिए आप श्योर हैं, अब उसके में कंफ्यूजन हो रहा है राइट। और देखिए डी तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाता, मतलब काउंटर क्वेश्चन ये है कि सर ए सी और डी को क्यों अलग कर दिए, तो ए पे पॉजिटिव कैरेक्टर है राइट, एनएस टू का लोन पे रिजनेंस में है, और ई पे भी तो पॉजिटिव कैरेक्टर है इसका लोन पेयर, इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर, इसमें पॉजिटिव कैरेक्टर यहाँ पे जाएगा क्या? नहीं जाएगा राइट, इसका लोन पे रिजनेंस जाएगा तो इसमें पॉजिटिव कैरेक्टर, तो ए तो नहीं होगा और ई भी नहीं होगा करेक्ट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग हो गया, ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो गया, और ए में सी में था ए एंड डी, बट ए की वजह से गलत हो गया, तब एक लास्ट ऑप्शन क्या बचा है? बिल्कुल आईक्यू लेवल क्वेश्चन है, आईक्यू लेवल मतलब ऑन द स्पॉट आप क्या अप्लाई करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया भाई? यस सर। चलिए ये मैचिंग का क्वेश्चन है, बट जेईई मेन में भी मैचिंग का क्वेश्चन आता है। यहां देखिए H2O, अच्छा H2O प्लस शुगर मिक्सचर ना, सेपरेशन मेथड सब्लिमेशन, H2O एनिलीन सेपरेशन मेथड, H2O टोलीन भाई, H2O और शुगर के लिए सेपरेशन मेथड, शुगर क्या है नॉन वोलेटाइल राइट, तो इसमें सेपरेशन का मेथड रिक्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, ए का क्यू, बट ए का क्यू दो ऑप्शन में है, और H2O और एनिलीन का स्टीम, H2O एनिलीन का H2O और एनिलीन दोनों का मिक्सचर है, सेपरेशन का मेथड है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं ना है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्या बोलेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सब्लिमेशन के H2O टोलीन, प्योर थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गए नहीं, H2O टोलीन तो हम लोग सब्लिमेट इसका डिफरेंस बैठे डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, ऑप्शन देखिए तो यहाँ पे आप ऑप्शन से सीखेंगे, ऑप्शन ए है H2O शुगर को कौन सा रिक्रिस्टलाइजेशन, अब बी का कौन सा था आर ना, ओके करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए 80 का डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, मतलब क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मतलब क्या, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस राइट, पोलर नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर, तो पोलर इसमें पोलर नॉन पोलर सेपरेट हो जाएगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा नीचे रहेगा, जिसका डेंसिटी इसको डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन बोल रहा है नहीं, ओके हाँ ये सही लग रहा है, H2O और टोलिन, बट H2O और एनिलीन पोलर नॉन पोलर नहीं है, एनिलीन भी पोलर है और H2O भी क्या है पोलर भाई, इसको थियोरेटिकल क्वेश्चन मान के इसको नोट कर लीजिए ठीक है। अब ये सब कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चन ना, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा, बाकी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो तो आप बना ही दीजिएगा ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद। क्वेश्चन नंबर 9, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एस्टिमेटेड थ्रू डुमास मेथड एंड वाज फाउंड, देखिए प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें दिया हुआ है डुमास मेथड, होता है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए पढ़ते हैं, यहाँ पे छोड़ रहा हूं मैं नहीं पढ़ाया हूं,
इलेक्ट्रिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद एक क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। डाइक्लोरो मीथेन डीसीएम एंड वाटर आर यूज फॉर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे 2019 में इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया, तो उसी कॉन्सेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन सेट किया गया दूसरा सेट में, राइट। DCM and H2O would stay as lower and upper layer due to a specific क्या है in the जो भी था in the SF, इसमें डेंसिटी किसका ज्यादा रहना चाहिए, DCM का डेंसिटी ज्यादा रहना चाहिए, एक क्या है हाईली पोलर, दूसरा क्या है लेस पोलर, CH2Cl2 इसको लेस पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे लोअर में रहना चाहिए DCM और वाटर ऊपर रहना चाहिए, स्टेज ये तो गलत है, मिसिबल क्लियरली नहीं ये भी गलत है, चलिए करेक्ट ऑप्शन ए। इसका आंसर तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सीख लिए, क्वेश्चन नंबर 8 से मोटा देखिए तो आंसर क्या है होना चाहिए, ये अभी ऑन द स्पॉट हम लोग सीखे किस क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 8 से सीखे और उसको 10 में अप्लाई कर दिए, आप लोग सीखे या नहीं सीखे, ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, ये समझ नहीं आया। अच्छा ये समझ में नहीं आया, यहाँ देखिए CCl4 और वाटर किसका डेंसिटी ज्यादा है भाई, वाटर का H2O, वाटर का डेंसिटी इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, राइट नहीं तो लिक्विड फॉर्म इसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा, यस यस राइट। तो इसका अरे ए है हाईली पोलर, ए हाईली नॉन पोलर, तो क्या मिसिबल है इमिसिबल, तो कौन नीचे रहेगा, CCl4 नीचे रहेगा और वाटर क्या रहेगा ऊपर रहेगा, इस मेथड को जो हम लोग बोलते हैं ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस को बोलते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, आज आप देखकर यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ, करेक्ट। वैसे ही टॉलिन और वाटर, यहाँ देखिए टॉलिन और वाटर में किसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा, टॉलिन का डेंसिटी ज्यादा रहेगा, करेक्ट। वाटर डेंसिटी ये पोलर है नॉन पोलर, मिसिबल नहीं है, तो नॉन पोलर के ऊपर पोलर एक एयर ऊपर कोई ऊपर नीचे दोनों से कोई भी हो सकता है, जब इमिसिबल है तो लेयर बनेगा, राइट। एक कुछ समथिंग लाइक किरोसिन ऑयल और वाटर, हाँ किरोसिन ऑयल और वाटर रहेगा तो उसमें वाटर क्या नीचे आ जाएगा, किरोसिन ऑयल ऊपर थोड़ा हल्का होता है, ठीक है। पेट्रोल रहेगा तो वाटर नीचे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन यहाँ पे इसका डेंसिटी ज्यादा हो गया है, वैसे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, टॉलिन, टॉलिन बहुत हेवी मॉलिक्यूल हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट, अब समझ में आ गया। तो जो जो दो कंपाउंड लिक्विड कंप्लीटली इमिसिबल हो, मतलब एक पोलर एक हाईली पोलर एक हाईली नॉन पोलर या लेस पोलर, और जिसको अगर मिक्स करेंगे तो दो अलग अलग लेयर क्रिएट करेगा, तो वहां से भी हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये तो आपके जोन में है क्वेश्चन, CH ये है ना, यहां से H+ को रिलीज करेंगे तो दिस नेगेटिव हाईली स्टेबलाइज बाय 3-M, राइट। बाकी किसी में ऐसा ऑप्शन है नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन तो डी होना चाहिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आंसर क्या है देखिए तो डी। क्वेश्चन नंबर 11 सबको समझ में आया, ऑनलाइन के बच्चे प्लीज हाँ ना बोला कीजिएगा, बहुत बोरिंग हो जाता है क्लास अदरवाइज। यस हाँ सर आया है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए प्रैक्टिकल हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया है, अब इसमें देख लीजिएगा शायद एनिलीन इसमें आंसर होना चाहिए, आंसर क्या देखिए तो ये मैं कहीं पर रट लिया था, तो या प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप भी रटा मार लीजिएगा, ठीक है। इतना सबको समझ में आ रहा है कि आता है क्वेश्चन और चैप्टर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा आप लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लीजिएगा या मुझे पढ़ाना पड़ेगा, कर लिए तो आंसर देना चाहिए, कर लेंगे ओके भविष्य के गर्त में, एक चैप्टर एक टॉपिक रिविजन के लिए वही दे दूंगा, जितना भी और चैप्टर है वही कीजिए। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड,
सबसे कम रेजोनेंस स्टेबलाइज कौन रहेगा? देखिए भाई, ए है एरोमेटिक, बी भी एरोमेटिक और सी भी एरोमेटिक, तो एरोमेटिक सिस्टम में तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगा, बट डी एरोमेटिक है? नहीं है, करेक्ट, और एरोमेटिक होने का चांस भी नहीं है। एरोमेटिक तो नहीं है, तो ऐसा मैंने क्यों बोला कि एरोमेटिक होने का चांस भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे टॉटमराइजेबल हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पे H रहता तो एरोमेटाइज हो भी सकता था, राइट? यहाँ पे बस रेजोनेंस होते रहेगा, वही क्रॉस कंजुगेशन, इसे सबसे लिस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज डी, तो फ्री में मार्क्स है। आंसर क्या है? डी है। क्वेश्चन 14, द डिस्टिलेशन टेक्निक मोस्ट सुटेड फॉर सेपरेटिंग ग्लिसरीन, क्या ग्लिसरॉल है फ्रॉम? इन द सोप इंडस्ट्री। प्योर थियोरेटिकल है भाई, आंसर देख किसको रट्टा मार दिया। क्या है? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। जो नहीं जानते हो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको 2-3 स्टार दीजिए, उसको बाद में कलेक्ट कर लीजिएगा। जब चैप्टर खत्म करूंगा तो क्या क्या आप नहीं जानते थे और क्या इसमें कवर करना है, एक फिल्टर होकर आएगा बाहर में, ठीक है? क्वेश्चन 15, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ये तो सबको आंसर देना चाहिए, एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑर्थो इफेक्ट, कार्बोजेलिक एसिड ना, ये पिछले क्लास में ही तो पढ़ा रहे थे। सबसे ज्यादा किसमें ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है? और वन ऑप्शन ए और डी में है, करेक्ट। उसके बाद किसमें ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है? थर्ड में, तो वन के बाद थर्ड, और उसके बाद वन के बाद थर्ड, लेकिन वन के बाद थर्ड तो ऑप्शन उसके बाद सेकेंड मेटा पे है, तो मेटा, लेकिन फोर्थ में क्या है? पैरा पे थे तो प्लस एम काम करेगा। फर्स्ट के बाद, एक मिनट, आंसर देखे तो क्या है? फर्स्ट क्वार्ट सेकंड, फर्स्ट के बाद सेकंड तो नहीं देना चाहिए था, नहीं, फर्स्ट के बाद मेरे अकॉर्डिंग में आंसर होना चाहिए था फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड और फोर्थ होना चाहिए था, समझ रहे हैं? फर्स्ट के बाद थर्ड और थर्ड के बाद सेकंड और सेकंड के बाद फोर्थ। तो हम लोग बस इसके वजह से गड़बड़ हो रहा है, नहीं बाकी सही है। कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी मुझे भी वही लग रहा है, जिसके यहाँ पे थोड़ा सा एक फैक्टर हो सकता है कि शायद यहाँ पे O माइनस इसके साथ H बॉन्डिंग बनाकर इसका इसको स्टेबलाइज करे, ड्यू टू H बॉन्डिंग इसको स्टेबिलिटी को बढ़ाया, इसके कंजुगेट बेस को, शायद ये फैक्टर यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 15, यही दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में। यहाँ यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, बात नहीं करना है, एच बॉन्डिंग दिया हुआ है इसका रीजन में, इसके साथ जब कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका यहाँ पे जब कंपेयर कर रहे हैं मेटा के साथ, राइट, इसका एच बॉन्डिंग, ये जो कंजुगेट बेस बना है उसका इसके साथ एच बॉन्डिंग होने की वजह से ऑर्थो इफेक्ट के फैक्टर पे क्या हो गया है? डोमिनेट कर गया है। एक मिनट, इसके वजह से
फर्स्ट के बाद हम लोग का ऑर्डर क्या था स्टूडेंट? फर्स्ट का सेकंड ना? ओह, यहां देखिए बहुत कमाल का काम किया हुआ है। हम लोग थर्ड किसको बोले हैं? थर्ड देख रहा है ना? हम लोग करेक्ट हैं जो वहां पे लिखा हूं, जिसके बाद क्वेश्चन बैंक रहेगा तो देख लीजिएगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिड, इसका नाम सेकंड दिया हुआ है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिड, जिस और ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिड को क्वेश्चन में क्या नाम दिया हुआ है? थर्ड, राइट। क्वेश्चन में ऑर्थो हाइड्रोक्सी के नाम क्या दिया हुआ है तो उसी को तो ले आए, और उसका नाम यहाँ पे क्या दिया हुआ आंसर में? इसी के बाद बोला गया ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिड इज फार स्ट्रॉन्गर विद रेस्पेक्ट टू कॉरेस्पॉन्डिंग मेटा एंड पैरा, उसका रीजन भी दिया हुआ है, एक तो ऑर्थो इफेक्ट और दूसरा मेश बॉन्डिंग, करेक्ट। इसका मतलब हम लोग तो पहले इसी के अकॉर्डिंग गए थे ना, ऑर्थो इफेक्ट, करेक्ट है। तो इसमें सब यहाँ पे हम लोग करेक्ट है स्टूडेंट। पहले ऑर्थो इफेक्ट देखिए, तो ऑर्थो इफेक्ट से दो फायदा, एक तो इसका कंजुगेट भी ज्यादा स्टेबल रहेगा ड्यू टू एच बॉन्डिंग, और साथ में ऑर्थो इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर था या स्टेरिक फैक्टर? स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक मटेरियल से इसका इसके बीच में रेजोनेंस ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे दो दो फैक्टर, यहाँ पे एसिड के लिए दो फैक्टर एक साथ इसका काम किया इसके ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप रहने से। एक तो इसका एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा दिया, कैसे? यहाँ से जो निगेटिव चार्ज बनेगा तो इसका कोपरेटिव इसके साथ लॉस होगा, तो इसके साथ इसका रिजन ज्यादा होगा, करेक्ट। और सेकेंड में यहाँ का हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, वो इसके साथ एच बॉन्डिंग बनाएगा। इस तरीके से एसिड ग्रुप के पहले तो ऑर्थो इफेक्ट देख लिया, अब बाद में इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग विद कंजुगेट बेस, दोनों फैक्टर के वजह से कार्बो एसिड ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन वैसे रहेगा, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट का रहेगा, उसके बाद किसका रहेगा? थर्ड का, उसके बाद सेकेंड का, एक करेक्ट ऑप्शन है, यही आंसर में भी दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में, ठीक है ना स्टूडेंट? यस सर। कभी कभी हम लोग को खुद पे भी भरोसा रखना पड़ेगा, यही एक फायदा होगा साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 लिख दें, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 17 बनाइए, 17 आप लोग बन जाएगा, देखिए तो 2 मिनट के अंदर सॉल्व कीजिए आप लोग। डिट्टो ऐसा क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाया हूं जब एम्पिरिकल फॉर्मूला मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे, तो
इस टाइप का क्वेश्चन जब मैं मोन कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा होगा करवाया एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के हम लोगों को क्या चाहिए कि गैसेस हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है ना, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन मतलब यहां पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, करेक्ट। अगर कंबशन करते हैं तो क्या मिलता है, 0.7 CO2 प्लस वाटर। वापस मुझे लॉजिक क्या है, यहाँ जो कार्बन रहा होगा वही उतना ही कार्बन तो यहाँ पर रहेगा मास वाइज, है ना। तो CO2 का कितना ग्राम है, 0.3.08। तो मास ऑफ कार्बन मैं डायरेक्ट करता हूं, आप लोग पकड़ पाइएगा तो पकड़िए, देखिए यहां देखिएगा, ये तो सही है, 12 ग्राम कार्बन इन 44 ग्राम ऑफ CO2, तो 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन, तो 1 ग्राम CO2 में इतना ग्राम CO2 में, तो यहां से क्या निकल गया, मास ऑफ कार्बन। मैं सिर्फ आइडिया देता हूं, सॉल्व आपको करना पड़ेगा और अभी करना पड़ेगा, वैसे मास ऑफ हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये कितना 0.72 है, तो कैसे मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू व्हाट, 2/18 इंटू 0.72। अब यहां देखिए, अब आप चाहेंगे तो इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज नहीं भी निकालने से काम चल जाता है, बट फिर भी आपको मोटा मोटी परसेंटेज दिमाग में रहेगा, राइट। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकल जाएगा, मास ऑफ कार्बन बाई टोटल मास है ना, और वैसे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकल जाएगा, अरे ये दोनों निकल गया तो क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, लॉजिक समझे, आंसर आ गया। उसमें सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं, फिर वहां से सिंपलेस्ट रेशियो के बाद सिंपलेस्ट इंटीग्रल होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, निलंजन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं।
आंसर क्या आया है? C7H8। इसका था टॉलिन। कैलकुलेशन घर पे कर लीजिएगा, हो जाएगा ना, बन जाएगा ना एवरीवन। हाँ सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन, यहां देखिए, जनरली ध्यान सुनिएगा, यह फर्स्ट CH3CH2CH2+, यह सेकंड और यह थर्ड। यानी मैं जब पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि देखिए इसका और इसका प्लस सेम, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट लेते हैं, पर इसके तो इक्वल है नहीं कोई ऑप्शन में, तो वहां पे फिर इसका स्लाइटली ज्यादा ले लीजिएगा। तो क्या रहेगा, जनरली ऐसे डीकेस में के थ्रू जाइएगा तो डीकेस में देखिएगा तो इसका इसका क्या लिया हुआ है, प्लस सेम का पावर ऑलमोस्ट इक्वल दिखाया हुआ है, पर फिर भी अगर इन दोनों से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम कब आएगा, इसका प्लस सेम थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहना चाहिए, थर्ड 1 2, क्वेश्चन बैंक से यही फायदा होगा, ठीक है। तो 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है भाई, सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका रहेगा, थर्ड का, और यहां पे आप लकी रहेंगे, एक ही ऑप्शन में थर्ड है, करेक्ट। ऐसे हम लोग ऑर्डर खुद से देखते तो थर्ड के बाद किसका रहेगा, हैलोजन ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम, थर्ड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकेंड, और उसके बाद फोर्थ, सेकेंड में हाइपर देख रहे हैं, अब फोर्थ में क्या देख रहे हैं, प्लस एम, देखिए तो आंसर है ऑप्शन सी, तो डैम्स जो सी ही रहेगा आंसर। आंसर देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, बहुत कमाल का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए 19 से आगे बढ़े, ठीक है। पहले तो 1-chloro-1-phenylethane का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, वन क्लोरो वन फिनाइल इथेन का और यहां देखिएगा किनको किनको ये सब याद रहता है वो भी यहां पे चेक होते रहेगा। डीके सिंह रेजोनेंस में ये मिला होगा, रिएक्शन जनरेटिंग एरोमेटिसिटी में, मैं क्लास में भी लिया होगा, रिएक्शन जनरेटिंग एरोमेटिसिटी में मैं पढ़ा था कि जैसा जैसे ए जी प्लस सी एल माइनस लेता है वैसे एस बी सी एल फाइव भी ले सकता है, राइट। हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं है भाई, थोड़ा बहुत आप लोग बोला कीजिए। यस सर। ये तो बोले कि हाँ ऐसा देखे हैं। हाँ सर। एक ऑर्गेनिक नोटबुक में लिया हुआ है, ठीक है। अब आपको थोड़ा मैं हिंट दे दिया, अब देखिए क्वेश्चन, रेसिमाइजेशन का मतलब क्या, कि पहले प्योर एल फॉर्म है लेबोरेटरी, बाद में क्या हो रहा है लेबो से डेक्स्ट्रो, और फिर लास्ट में जाकर क्या हो गया, इक्विमोलर हो गया, तो वो क्यों होगा वो एक्सप्लेन करना था, होगा तो किसके थ्रू होगा। तो यहां देखिए 1-chloro-1-phenyl यही ना भाई, इसमें अगर एस बी सी एल फाइव डालेंगे तो वहां तो एस बी सी एल फाइव का करेक्टर बता दिए, यहां से क्या लेगा सी एल माइनस, सी एल माइनस बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बनेगा तो ये बन गया एस बी सी एल सिक्स माइनस सी एल माइनस, अब सी एल माइनस का ऊपर से भी अटैक करेगा और नीचे, पहले लेबो सिर्फ था अब क्या होगा लेबो और डेक्सो दोनों बनते रहेगा, ड्यू टू इंटरमीडिएट क्या रहेगा थ्रू फ्री रेडिकल या कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन आंसर होना चाहिए, देखिए तो क्या है आंसर,
ये बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लगाइए, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसा तो हम लोग सिर्फ यहां के लिए नहीं, वैसा कोई भी रिएक्शन, चाहे एडिशन कहो या सब्स्टिट्यूशन कहो, मैंने बोला था अगर कार्बोकैटायन है और उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा है, और अगर वो काइरल सेंटर बनने वाला है तो आर भी बनेगा और एस भी बनेगा, ठीक है। 20 का एक्सप्रेशन समझ में आ गया है, इसमें सबसे बड़ा रोल है कि SbCl5 का जानना, वो करेगा क्या, क्या करेगा, Ag+ के जैसा करेक्टर शो करेगा। 21 ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यही तो था एलिन, ये तो मैंने लिया था कहां पे, केस ऑफ पॉलिन्स क्यूमिलिन्स कंजुगेट कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, ये हो गया sp2 sp sp2। यहां पे ऑप्शन क्या रहेगा, sp2 करेक्ट ऑप्शन बी, ठीक है, लेकिन नाम तो इंपॉर्टेंट हो गया। अब एक देखिए, नाम ही नहीं आंसर, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्वेश्चन छूट जाता, स्ट्रक्चर जानिएगा तब तो आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान था, नाम नहीं जान रहे हैं, इसलिए मैं वहां पे इसी क्वेश्चन के वजह से मैं बार बार इसका नाम बोलते रहता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, कितना बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई, नहीं, पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पैरा टोलोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एक मिनट एक मिनट, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, देखिए एक मिनट यहां पे सीखिए बातों को, अगर OH है, इधर देखिए सब लोग, OH है और अगर वहां पे तीन नाइट्रो है ऑर्थो एंड पैरा पे, तब तो उसका ज्यादा हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से भी, क्योंकि उसका नाम ही है स्यूडो इनऑर्गेनिक पिक्रिक एसिड, तो उसका कहानी छोड़िए, बट अगर OH है और एक NO2 है, OH है बेंजीन पे और 1 NO2 है, आज सुबह क्लास में मैं यही डिस्कस कर रहा था एक्चुअली, OH है 1 NO2 है, तो उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, तो उसमें आप देख लीजिए उसमें तो ऑर्थो ही ज्यादा रहेगा, ऑर्थो इफेक्ट, इन टॉलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, टॉलिक एसिड का फॉर्मूला पैरा टॉलिक एसिड, आप तो इसका स्ट्रक्चर जान नहीं रहे हैं, मिथाइल, थोड़ा गूगल कीजिए दोस्तों, टॉलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, ये लगता है ए है क्या, ए है, पहला क्वेश्चन पे मिथाइल ग्रुप है, टॉलिन से टॉलिक एसिड कर दी, नहीं तो सबसे ज्यादा तो किसका रहेगा, ऑर्थो इफेक्ट देख रहे हैं राइट, और उसमें भी इंट्रा मॉलिक्यूल कंजुगेट बेस का इंट्रा मॉलिक्यूल एच बॉन्डिंग, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सी। क्वेश्चन नंबर 23, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और डिसाइड कीजिए,
देखिए पहला बात है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा, क्या है ध्यान सुनेगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा, ये पहला फैक्टर, ये पहला ही पॉइंट था। बट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में ए और इसमें सेम रहेगा, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना दो, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, बट इसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव, इसमें कार्बन पे नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव ज्यादा स्टेबल रहेगा नाइट्रोजन। दूसरी बात कि इस फॉर्म में आते ही ये ब्रेक हो जाता है क्योंकि डाइजोनियम कैटायन बन जाता है, एक अलग कॉन्सेप्ट और भी। यहाँ पे तो हम लोग ब्रेक करके ये क्या था, ये तो भाई कार्बिन डाइजोमीथेन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, यहां से कार्बिन बनाया था हम लोग, याद है। और मैं बोला था कि यहाँ पे इसको ब्रेक करने के लिए विवर्क विथ दिस आर एस, विवर्क विथ व्हाट, इस आर एस के साथ में लिया था, इसी आर एस को लेकर मैं हिट किया था, तो यहाँ से क्या चला गया था, एन नाइट्रोजन गैस बनकर आउट हो गया था, इसको एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, पहले से एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट, तो क्या बन जाएगा कार्बिन। तो अगर ज्यादा स्टेबल यही रहता तो फिर ऐसे यहाँ से ब्रेक नहीं होता, ये और ये आपस में क्या है आर एस है ना, ये अगर रेजोनेंस करेगा तो राइट। तो हम लोग इसको फर्स्ट आर एस को सेकंड आर एस, फर्स्ट आर एस ज्यादा स्टेबल है, सेकंड आर एस कम स्टेबल, वजह समझ में आ गया, दो वजह है। तो इस फॉर्म में आने के बाद एन टू प्लस बन गया डायोनियम कैटायन, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, तो सबसे ज्यादा तो फर्स्ट होना चाहिए स्टेबिलिटी। अब उस पर ऑप्शन देख लेते हैं, टाइम शायद बच जाए, बट सबसे ज्यादा इसका मतलब है कि सॉरी सबसे ज्यादा किसका छुट्टी रहेगा, फर्स्ट का ना, तो फर्स्ट कौन कौन सा ऑप्शन में है, ए और बी में, ए और बी में, उसके बाद थर्ड, हम लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं, थर्ड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो उसके बाद तो क्रिस्टल क्लियर था। बोले क्यों, इस पे कार्बन पे निगेटिव है और नाइट्रोजन पॉजिटिव, इस पे कार्बन पॉजिटिव है कार्बन पे, तो सेकेंड होना चाहिए। इसके बाद नंबर पाई बॉन्ड सेम है तो यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन भी सेम है, सेम डिस्टेंस पे, तो किस पे ज्यादा पॉजिटिव ज्यादा फेवरेबल रहेगा, कार्बन पे पॉजिटिव ज्यादा फेवरेबल रहेगा, बट यहाँ पर रिवर्स है राइट, तो ऑप्शन ये होना चाहिए। रुकिए, इसको हम लोग फोर्थ बोले हुए थे ना, तो फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ ऑप्शन क्या, देखिए तो आंसर में भी है। चलिए ये था 2009 का क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया एवरीवन, एक्सप्लेनेशन yes, कहीं पे डाउट है तो पूछ लीजिए। फर्स्ट और थर्ड में इसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा, वजह पहला रीजन किस पे कार्बन पे नेगेटिव से नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, किस पे ज्यादा टॉलरेबल रहेगा, दूसरा रीजन ये रिएक्शन से रिलेटेड हो गया, हम लोग पढ़े हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन करेक्ट, और CH2- N2+ और सुपर लिविंग ग्रुप है, N2+ और सिंगल बॉन्ड बना दीजिएगा, N2+ बनाने के बाद सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो थोड़ा भी हीट करेंगे तो यहां से चला जाएगा राइट, इस वजह से भी इसका एक्टिविटी कम हो जाता है, करेक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 24, इन द फॉलोइंग कार्बोकैटायन दैट इज मोस्ट लाइकली टू माइग्रेट टू पॉजिटिव चार्ज, चार्ज कार्बन, C4, H एट C2 का एच जाना चाहिए ताकि पॉजिटिव चार्ज C2 पे आ जाए और रेजोनेंस प्लस एम से स्टेबलाइज हो, हाइपर कंजन ऑफ प्लस एम में हम लोग किसको ज्यादा फेवर करेंगे, प्लस एम को करेक्ट। तो मेरा आंसर तो है H एट C2, आंसर क्या है देखिए तो इसमें भी आंसर होगा, पीछे आंसर दिया हुआ है टॉपिक सेकंड का, सबको समझ में आ गया एवरीवन, ऑनलाइन के बच्चे बोलते नहीं ना है, सबसे बड़ा समस्या yes, है। यस सर, बोला कीजिए भाई बीच बीच में। क्वेश्चन 25, द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का तो ज्यादा रहेगा भाई राइट, उसमें सबसे ज्यादा तो थर्ड का रहेगा, उसके बाद टॉलिक एसिड,
अब नाम रट जाएंगे हम लोग, टोलिन वाला एसिड का, राइट। थर्ड के बाद फोर्थ, थर्ड के बाद फोर्थ, और उसके बाद सेकंड, सेकंड में क्यों हैलोजन क्रिएट प्रॉब्लम। तो थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट कोई ऑप्शन में है? चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 2008 फ्री मार्क्स पढ़िए। हाइपर 26 हाइपर कंजक्शन इन्वॉल्व ओवरलैपिंग ऑफ फॉलोइंग और वाइटल, सिग्मा सिग्मा होता है, पाई पाई होता है, पीपी होता है या सिग्मा पी होता है? हाइपर कंजक्शन किसके बीच में ओवरलैपिंग होता है? सिग्मा एंड पाई, सिग्मा और वाइटल, और पाई का मतलब प्योर पी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? बी, एक तो बी है, एक तो फ्री में मार्क्स है ना डेफिनेशन। क्या निकाल जाना, आगे बढ़ा जाए क्या? 26 हम लोग समझ गए। श्यामना आगे बढ़ा जाए? हाँ सर। तो बोला कीजिए, समझ में आ गया तो आंसर निकालने के बाद। 27 द करेक्ट एस्टिबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग, सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा वन, क्यों? प्लस एम और सिक्स हाइपर कंजगेबल, आप लोग जोड़ लिए, वेरी गुड। उसके बाद रहेगा थर्ड, और उसके बाद रहेगा सेकंड, इतना में तो आंसर आ जाना चाहिए। फर्स्ट थर्ड सेकंड किसी में है? डी, फर्स्ट थर्ड सेकंड, लास्ट में फोर होगा, करेक्ट ऑप्शन डी। भाई 2008 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सोचिए तो 2008 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब इसको बनाने में 5 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड टाइम बचेगा यहाँ पे। प्योर सब्स्टिट्यूएंट का क्वेश्चन हो गया 28, चलिए तो हम लोग 27 तक पहुंच गए हैं स्टूडेंट, आज में इतना रखा जाए, बट इसका एक एक क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें जहां भी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा वो सारा आपको तरफ प्रोजेक्ट कर दूंगा, ठीक है? Yes, सर हम लोग उसको साइड कर देंगे तो आपका मार्क्स कम हो जाएगा। इस बार अगर फर्स्ट टाइम है 12th क्लास वाले जो ड्रॉप नहीं दिए हैं, फर्स्ट टाइम में निकालना चाहते हैं तो टाइम से सुबह से उठना है, इस सबसे बड़ा गुरु ज्ञान है, ठीक है? लेकिन बोलते तो डेली है लेकिन उठते नहीं है, सोते क्यों रह जाते हो भाई? सर 12 बजे सोच कर सोते हैं कि उठ जाएंगे, तो एक घड़ी खरीद लो, घड़ी है वो जो पहले के जमाने वाला घड़ी जो बजता था अलार्म लगाने के बाद, मोबाइल वाला नहीं, वो खरीद के लगा के रखना है। कितना बजे बैठना है पढ़ने के लिए? तो 6:30 से पढ़ने के लिए बैठने के लिए कितना बजे उठना पड़ेगा? 12:30 में डिसिप्लिन वे में सो जाना है। अच्छा ये बात रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, रिकॉर्ड होता तो बाकी लोग जो वीडियो देखते हैं वो भी, उनको भी ज्ञान मिल जाएगा। तो उसमें ऐसा नहीं कि अब मैंने कुछ बोलते हैं ना इन लोग को क्लास में तो उसका एडवांटेज ज्यादा ले लेते हैं। मैं बोलता हूँ लास्ट में जब थक जाइएगा तब बेड पे जाके 10-15 मिनट लास्ट में, अच्छा सर ने तो बोला था लास्ट में बेड पे जाकर सो के पढ़ने के लिए, 11 बजे से ही रेडी है, 11 बजे से ही ब्लैंकेट वगैरह लेके पिलो लगा के। भाई वो भी नहीं बोला था, लास्ट में बोला था हाफ एन आवर, जब एकदम लगता कि नहीं अब एनर्जी नहीं बचा, वो दिन भर पढ़ने के बाद, दोपहर में सोने के बाद तो एनर्जी रहेगा ही। आज मैं सुबह से लेकर अभी तक रेस्ट नहीं लिया, तो गया सोने के लिए लेकिन नहीं आया। मेरे गली में इतना गाड़ी चलते रहता है आजकल, और कम से कम 20 बार गेट खुलता है, ग्रिल मेरा एकदम फ्रंट पे ही है जो मेरा रूम है, जब भी नींद आता रहता है खड़ाक, और उसमें किसको समझाइएगा कि भाई ग्रिल कोई रेस्ट भी कर रहा होगा? अब ये अगर बोलने जाएंगे ना कि मैं रेस्ट कर रहा था, अच्छा आप तो एकदम इतना महान आदमी है, वो सब नहीं करना है, तो नींद नहीं आया कोई बात नहीं है, रूटीन है वो काम करना है, अभी जाके मुझे 9 बजे क्लास लेना है बिजनेस का, और आप लोग का भी मैथ क्लास है। ओके एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।